हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। नमस्कार आप सभी को। बात करेंगे अपने इस वीडियो में हम डीएलएड प्रमोट मुद्दे को लेकर के। यहाँ पर बैक पेपर वालों का क्या होगा, ऐसे में 2018 बैच की जब आप बात करते हो तृतीय सेमेस्टर, 2019 बैच प्रथम सेमेस्टर की अगर आप बात करते हैं, तो ऐसे में इन्हें प्रमोट किया जाएगा या नहीं, इसी के संदर्भ में अपने इस पूरे वीडियो ड्यूरेशन में हम बात करेंगे। आप लोगों को मैं बता दूं, पीएनपी के द्वारा 22 जुलाई 2020 को ही प्रस्ताव भेजा गया था शासन को प्रमोट मुद्दे को लेकर के, लेकिन अभी तक उस पर फैसला नहीं दिया गया है। यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूं, दिनांक 10 सितंबर 2020 तक उम्मीद है कि शासन के द्वारा इस संदर्भ में कोई एक रेस्पॉन्स दिया जाए, एक जानकारी दी जाए कि यहाँ पर डीएलएड जो 2018 बैच है तृतीय सेमेस्टर या फिर 2019 बैच प्रथम सेमेस्टर, उन्हें प्रमोट किया जाएगा या नहीं, पूरे चांसेस हैं इन्हें प्रमोट करने के। वहीं अगर मैं बात करूँ दूसरे साइड में बैक पेपर वालों को लेकर के, तो इस चीज़ का विशेष ख्याल रखिएगा कि शासन को जो प्रस्ताव भेजा गया है उसमें बैक पेपर वालों के लिए कहीं भी कोई बात नहीं की गई है, लेकिन यहाँ पर अलग से कोई पेपर, चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी बैक रही हो या फिर आपकी थर्ड सेमेस्टर में रही हो, पेपर कोई भी अलग से नहीं करवाया जाएगा। अगर प्रमोट करते हैं पूरे बैच को, तो जो बैक पेपर वाले हैं उनको भी प्रमोट ज़रूर किया जाएगा। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ में इतना ही। यहाँ पर डेट ध्यान रखिएगा, 10 सितंबर 2020 तक फैसला आने की उम्मीद है। जैसा भी होगा, आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर यहाँ पर आपको जो है इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। फिलहाल के लिए आप 2019 बैच वाले जो हैं वो सेकंड सेमेस्टर की पढ़ाई पूरी तरीके से शुरू कर दें। ऑन दी अदर हैंड, जब आप बात करते हो 2018 बैच को लेकर के, तो वो अपने चौथे सेमेस्टर की पढ़ाई पूरी तरीके से शुरू कर दें, क्योंकि आपकी जो परीक्षाएँ हैं उनका भी नोटिफिकेशन जल्द ही जारी किया जा सकता है। किसी और सवाल के लिए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। हम आपसे मिलते हैं एक और वीडियो को लेकर के जल्दी ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।